सिचुएशंस की एनालिसिस कीजिए कि अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं उदयन शर्मा जी के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए यहां पर आया हूं तो क्यों आया? रविवार इस पत्रिका को पढ़ने में हमारी रुचि हुआ करती है, और यदि मैं जानता हूं कि रविवार पत्रिका में कुछ लेख और कुछ अपंग जो आया करते थे, बहुत सारे लोग उसकी आलोचना भी करते थे। मुझे यह भी याद है उदयन शर्मा जी के बारे में भी क्या क्या बातें जो उनके आलोचक बोलते थे उससे भी मैं अच्छी तरह बचे, लेकिन इसे आलोचक ही स्वीकार करता कि पत्रकारिता जगत में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले और एक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने वाला भारत की पत्रकारिता जगत में कोई है तो वो उदयन शर्मा जी, इसे सभी स्वीकार करते। इसे भी क्योंकि मैंने देखा है कि जब पक्ष में खबरें आ जाती हैं तब लोग उसकी सराहना करते हैं, और ये दूसरे ही दिन यदि कोई अपने अनुकूल यदि खबर नहीं आती है तो उसकी आलोचना भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी अनाड़ी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की आलोचना व प्रशंसा की जाती हो, बल्कि जो मूर्खन्य माने जाते हैं लोग, जो एक जिनके इंटेलेक्ट के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत हाई इंटेलेक्ट के हैं, जिनका माइंड सेट बहुत ही एनालिटिकल है, विश्लेषक है, उन लोगों के द्वारा भी यह बात की जाती है। क्योंकि अपनी आलोचना किसी को बहुत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब आप प्रशंसा कर देते हैं, एक दो सेंटेंस भी उसमें डाल देते हैं, तब पूछना क्या? अब आपसे बेहतर तो और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। यहां तक चुनावों में मीडिया की भूमिका का बड़ा प्रश्न है, और विशेष रूप से 2014 के लोकसभा चुनाव का। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यू,